हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे अपने बजीज में जो बच्चे के पैर टेढ़े हो जाते हैं, ये क्यों हो जाते हैं और इसका हल क्या है, इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहे, मैं इसकी पूरी आज इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको कि क्यों हो जाता है और इसको आपको अपने बजीज से कैसे बचाना है, इस बारे में हम बताएँगे। तो सबसे पहले तो आपको करना ये है, बजीज को कैच से बाहर निकाल लें और बिल्कुल घबराएं नहीं। बहुत कॉमन टॉपिक है, हो जाता है लोगों के साथ, तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन आपको करना यह है कि एक बैंडेज ले लेना है। इसका हम काम आज बैंडेज से ही करेंगे। चीज़ें और भी हैं लेकिन बैंडेज ज़्यादा बेटर रहता है। बैंडेज लेंगे, बस उसको दो कर लें इस तरह से। इससे होगा क्या, बच्चे के हम बहुत बार टेप भी लगा लेते हैं, बहुत से लोग टेप कर देते हैं या किसी और चीज़ से भी, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम ये होती है कि वो खुल भी जाती है और फ़ायदा वगैरह में भी चिपक जाती है। लेकिन ये सेफ रहती है काफ़ी हद तक, ताकि जब जहाँ तक कि मैंने यूज़ किया उसका सब तो काफ़ी सेफ है, ठीक है। तो इसको ले लेना है और बच्चे को बहुत ध्यान से उठा के करना है। गाइस, ये काम बहुत केयरफुली करना है। ऐसा नहीं है आप इसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाएं या आप इसमें घबराएं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन हाँ, बहुत केयरफुली काम करें, इसमें हो जाती है बच्चों को प्रॉब्लम जो कि कॉमन है। तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ईजी है। मुझे डर मेरे में बच्चे में इसमें यह है, क्योंकि बच्चा ये बड़ा हो गया, इस बच्चे को कम से कम 14-15 दिन का बच्चा हो गया है, और ये प्रॉब्लम अगर आपको दिखाई दे जैसे ही आप सबसे पहले इस काम को कर लें। ये बच्चे में होती क्यों है ये भी बता देता हूँ कि क्या होता है, जब आपकी मटकी में स्पेस कम हो और बच्चे ज़्यादा हों तो ये प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से होता है क्या है, और बच्चे की वजह से इसको घूमने का या वहाँ सही से अपना पैर रखने का मौका नहीं मिला। ये पैर सीधा रह गया तो कोई बच्चा इसके ऊपर चढ़ गया या कुछ हो गया, इस वजह से इनके पैर टेढ़े हो जाते हैं। लेकिन हाँ, आपको ध्यान दे देना चाहिए कि उसमें प्रॉब्लम हो क्या रही है। मटकी को बार बार चेक करना चाहिए कि क्या है, क्या नहीं हो रहा है मटकी के अंदर, क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। किसी वजह से मैं नहीं रख पाया, लेकिन हाँ, मैं ज़्यादातर ध्यान रखता हूँ कि हाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। और भी मेरे पहले बच्चों में हुई है, लेकिन इसमें थोड़ा मैंने बहुत लेट ध्यान दिया, बिकॉज़ ये भी मेरा ध्यान एकदम चढ़ गया, पता चल गया मुझे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें, तो मैंने इसको निकाल लिया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसको मैं शेयर करूँ और इसका एक्सपीरियंस आपको बताऊँ। तो अब जैसा कि वीडियो में देख रहे हो आप, मैंने इस बच्चे के अच्छे से ये लगा दिया है, और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है बच्चे का कहीं फ़ायदा ना दबे, बिकॉज़ फिर क्या होगा, जब आप इस टेप को निकालोगे, इस बैंडेज को निकालोगे तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। देखो उसके पैर वो ने कैसे एकदम सेट कर दिया है। अब हम इसको कुछ दिन ऐसे रखेंगे, कम से कम 15 दिन, उसके बाद देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट है और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। होप यही है कि हाँ ये ठीक हो जाए। चलो अब इसकी माँ के पास छोड़ दें। आपके कोई भी ऐसे इससे भी मुतालिक या किसी चीज़ से भी मुतालिक कोई भी आपके क्वेरी हो या कमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा आपके लिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।